अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना गीतांजलि श्री का टॉम्ब ऑफ सैंड। हिंदी लेखक गीतांजलि श्री के उपन्यास रिट समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जो ऐसा करने वाला हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास बन गया है। गीतांजलि श्री न केवल पुरस्कार की पहली हिंदी विजेता हैं, बल्कि ये भी पहली बार है कि मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। गीतांजलि श्री ने कहा कि रेत के मकबरे में जाने से एक उदासी भरी संतुष्टि है। ये उस दुनिया के लिए एक शोक गीत है जिसमें हम निवास करते हैं, एक स्थायी ऊर्जा है जो आसन्न कयामत के सामने आशा बनाए रखती है। डेजी रॉकवेल द्वारा हिंदी से अनुवादित गीतांजलि श्री के मकबरे की एक रिपोर्ट ने प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा की जाएगी। दिल्ली की लेखिका गीतांजलि श्री का हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है। टॉम्ब ऑफ सैंड मूल रूप से रिट समाधि का अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। उपन्यास सीमा पार करने वाली 80 वर्षीय नायिका पर आधारित है। ये उपन्यास दुनिया की उन 13 पुस्तकों में से एक थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लिस्ट में सम्मिलित किया गया था। आपको बताते चले कि टॉम्ब ऑफ सैंड बुकर जीतने वाली ये हिंदी भाषा की पहली बुक भी है। टॉम्ब ऑफ सैंड एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद में चली जाती है, फिर जीवन पर एक नया पट्टा पाने के लिए फिर से जीवित हो जाती है। विभाजन के अपने किशोर अनुभवों के अनसुलझे आघात का सामना करने के लिए महिला पाकिस्तान की यात्रा करती है और पुनर्मूल्यांकन करती है कि एक माँ और एक बेटी, एक महिला और एक नारीवादी होने का क्या मतलब है। खबर सबकी, सीधे आप तक।